हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सी रजनी अग्रवाल। आप सब लोग कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। आज छोटी दिवाली है, आप लोगों को छोटी दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आई नो ये फेस्टिवल सीजन, मतलब फेस्टिवल टाइम चल रहा है और आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ रही है। मैं मतलब ये चीज़ समझ सकती हूँ, बिकॉज मेरे भी काफ़ी सारे साल निकले हैं फेस्टिवल के टाइम पर पढ़ाई करते हुए। तो आज हम किस चीज़ पर वीडियो बना रहे हैं? मेरे पास ना एक स्टूडेंट का डाउट आया था कि मैम क्या होता है, कई बार हम पढ़ाई करते करते ना पता नहीं खो जाते हैं और फालतू चीज़ें सोचने लग जाते हैं कि सडनली हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमने ये सोचा यार हमारे जो सीनियर्स थे वो सीए बन चुके हैं, हमारे जो जूनियर्स थे वो सीए बन चुके हैं और मैं अभी भी इसी में लगा पड़ा हूँ। पढ़ाई से बहुत बार माइंड हमारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो बहुत पेनफुल होता है क्योंकि हम दो दो घंटे तक इन सब चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं और हम फोकस नहीं कर पाते, जबकि हमें पता है मतलब दिसंबर के अंदर हमारे एग्ज़ाम्स ड्यू है और इस टाइम पे अगर हम ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। फिर कभी किसी फ्रेंड से बात हुई, पता चला उसने इतना पढ़ाई कर लिया तो इतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील हो जाता है। देखो, सबसे पहले तो जो लोग सीए बन चुके हैं उनके बारे में सोचना छोड़ो। हो सकता है आप लेट सीए बनो, बट आप सीए ज़रूर बनोगे। आप मेरे हिसाब से तो इस टाइम पे उन लोगों के बारे में सोच, मतलब जब आपको ये ख्याल आता है तो ये सोचा करो कितने वो भी तो है जो छोड़ चुके हैं और आप एटलीस्ट सीए कर रहे हो। तो प्लीज़ ये मत सोचा करो कि हमारे जो जूनियर्स थे वो सीए बन चुके हैं, वो जॉब कर रहे हैं और हम लोग अभी तक बैठे हुए हैं। देखो, आपको अपनी तरक्की के बारे में सोचना है कि आपको आपकी लाइफ से क्या चाहिए। मेरे को पता है कि ये टाइम बहुत हार्ड है, बार बार एग्ज़ाम्स देना, एग्ज़ाम्स के अंदर बैठना, फेस्टिवल कोई इंजॉय नहीं कर पाना, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान वाली चीज़ होती है ये। लेकिन ये सोचो ना कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पास होना है, एक महीने की बात और है, दिसंबर में तो आपके एग्ज़ाम्स हैं ही। तो प्लीज़ इस समय किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट मत हो। पता है मेरे मन में भी जब मैं पढ़ाई करा करती थी ना, जब ये लास्ट के 30-40 दिन बचे हुए होते थे तो ऐसा लगता था यार अब तो पढ़ाई नहीं हो रही, शायद मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट के बारे में सोचना चाहिए। मतलब मैं इतना ज़्यादा डर जाती थी, कभी कभी ऐसे लगता था यार छोड़ दूँ बस यहीं पे पढ़ाई, नहीं करूँ। फिर ये लगता था कि ये चीज़ तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी होगी, ऐसा नहीं है कि अगर मैं 6 महीने बाद पेपर दूंगी तो कुछ ऐसा होगा कि मेरी बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो चुकी होगी। ये जो एनजाइटी होती है ना, ये हर अटेम्प्ट से पहले होती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बट फिर मैं ये सोचती थी कि नहीं आगे जो होगा सो होगा, बट इस समय मुझे थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए क्योंकि मुझे अपनी एनजाइटी को ना खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। आप लोगों के मन में बहुत सारे यू नो नेगेटिव थॉट्स आते होंगे जब पढ़ाई नहीं हो पाती, आपसे ध्यान भटकता है बाकी चीज़ों में, मतलब बाकी चीज़ आपका करने का मन करता होगा, लेकिन इसी समय ना अपने माइंड को कंसंट्रेशन करना है कि नहीं सिर्फ 1 महीना पढ़ा है, अगर इस 1 महीने के अंदर मैंने अच्छे से लग के पढ़ाई कर ली तो जो मेरा सपना है वो पूरा हो जाएगा, मुझे बार बार एग्ज़ाम नहीं देने, एक बार अगर मैं पास हो गया ना तो मैं मतलब इस चीज़ से निकल जाऊँगा कि बार बार अमेंजमेंट देखनी पड़ रही है, बार बार क्लासेस लेनी पड़ रही है। तो जब भी डिस्ट्रैक्शन आता है ना आपके दिमाग में, प्लीज़ ये सोचो कि क्या जो मेरा डिस्ट्रैक्शन है वो इतना बड़ा है कि मैं 6 महीने और वेस्ट कर दूँ। कैसे भी मन मार के कैसे भी पढ़ाई कर लो इस टाइम पे, क्योंकि जो ये पढ़ा हुआ है ना, एक बार अगर आप पास हो गए ना तो आपको इतना अच्छा फील होगा कि थैंक गॉड हमने उस टाइम पे पढ़ाई कर ली। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट करने के बजाय ये सोचना है कि मैं पढ़ाई क्यों करूँ। अगर आप ये सोचोगे कि यार मैं सीए बन जाऊँगा, मतलब पॉजिटिव चीज़ें आपको सोचनी है जो आपको पढ़ाई करने की तरफ यू नो मतलब मोटिवेट करे कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, तो अगर आप करोगे हो जाएगी। अभी भी बहुत अच्छा टाइम है। देखो, आप ये सोचो कि मैं अगर अभी पढ़ाई नहीं करूँगा और समय और ज़्यादा बीत जाएगा तब तो मेरे पास समय टाइम भी नहीं बचेगा पढ़ाई करने के लिए। अभी भी कोशिश करो जल्दी से जल्दी, जो 15 नवंबर आने वाला है ना, 15 नवंबर तक अपना सारा का सारा कोर्स
कंप्लीट करने का, रिवाइज करने का, उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, सजेस्टेड आंसर सॉल्व करो, रिवीजन टेस्ट पेपर सॉल्व करो, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो, अगर आप लोग किसी टेस्ट सीरीज़ के लिए जाते हो उनको सॉल्व करो यार, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप लेकर आओ। देखो खासकर ओल्ड कोर्स वाले बच्चों, आपको तो इस समय प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं चाहिए, मुझे पता है आप लोग कर सकते हो। लास्ट टाइम मैं भी सेम सिचुएशन में थी, मेरे भी एग्ज़ाम थे दिसंबर में, तभी भी फेस्टिवल सीज़न था, बट सिर्फ एक ये था मन में कि नहीं यार शायद अगर इस बार पास हो गई ना तो आने वाले बाकी सारे फेस्टिवल में मना सकूँगी, सेलिब्रेट कर सकूँगी, इन्जॉय कर सकूँगी। तो प्लीज़ पॉजिटिव सोचो, देखो आपसे ज़्यादा पॉजिटिव आप कोई नहीं मतलब फील करवा सकता, आपको जो डिस्ट्रैक्शन से खुद ही अपने आप को रोकना पड़ेगा। तो आप ऐसी चीज़ें सोचो, ऐसा सोचो कि यार अगर मैं ये करूँगा तो क्या होगा, मतलब कुछ पॉजिटिव सोचो और फिर आप ना पढ़ाई करने के लिए बैठो। और कभी कभी अगर ऐसा होता है कि आप पढ़ाई करने बैठे हो, माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है, पढ़ाई नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं, बेशक 2-3 घंटे के लिए आप पढ़ाई छोड़ दो, अपना माइंड किसी और चीज़ में लगाओ, थोड़ा सा ना अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करो। बिकॉज जब आपको पता है जब ओवर ईटिंग हो जाती है तो क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, पेट में दस प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा ना हो कि ओवर पढ़ाई हो जाए, पढ़ाई एक लिमिट में करो, उसको रिवाइज करते रहो, ज़बरदस्ती मत पढ़ो, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को और फिर दोबारा लेके बैठो। बिकॉज अगर एक भरे हुए माइंड में आप बार बार मतलब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स करो और थोड़ा सा आप फेस्टिवल इन्जॉय कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ पहले पढ़ाई उसके बाद सारी चीज़ें। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट आप लोगों को। अगर अभी भी कोई डाउट वगैरह लग रहा है कि हम थोड़ा सा चेंज करें, मतलब रिवीजन कैसे करें, तो प्लीज़ आप मेरे से पूछो, मैं आपको गाइड करूँगी। तो दिवाली की, भैया दूज की, सब की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप सो आपके पेपर इस बार बहुत अच्छे हो और आपका रिजल्ट बहुत 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 अच्छा आए। सो बाय बाय, टेक केयर, बाय।